सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत? वो मैं रूही से बात हो सकती है क्या? वो घर आ गई है? हाँ बेटा, वो शाम को आती है ना स्कूल से, तुम उसको फोन कर लो। मैंने किया है उसे कॉल, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा है। चले, रात में आके घर में बात हो जाएगी। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, अम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ, मैं उन्हीं के पास था, शम्मू को छोड़ के आया उनके पास। चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह रात में मुलाकात होती है। अल्लाह खुदा हाफिज बेटा। हाफिज़। मैडम को कमरे में देखने गई तो पता चला बी जान की खिदमत में लगी हुई है। हाँ भाई, जो उनके साय में आ जाए उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। मेरी प्रिंसिपल की छोटी बहन ना माहिरे नफ्सियात है, तो तुम कहो तो अपॉइंटमेंट ले दूं तुम्हारा। नहीं, फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत। मैंने तुम्हें दिन में भी कई कॉल्स की, मगर रिकॉर्डिंग चल रही थी कि आपका मतलूबा नंबर किसी के भी इस्तेमाल में नहीं है। हाँ, वो फोन स्कूल में गिर गया। ओह, सिम तो ब्लॉक करवा दी थी ना? हाँ, अब नया फोन लूंगी तो नई सिम लूंगी। तुम्हें कोई काम था मुझसे? मुझे कौन सा तुमसे रॉकेट साइंस पढ़नी है? कुछ रेसिपीज पूछनी थी, मगर फिलहाल तो तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पर है। और माहिरे नफ्सियात के पास मुझे भेजने के बजाय अपना इलाज करवाओ। खैर, अभी तो मैं आपकी ताई अम्मी और अपनी बीजान के पास जा रही हूँ। मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं हो, पकड़ जाए करो। मोबाइल भी खरीदूंगी और नई सिम भी दे दूंगी नंबर तुम्हें। फिर जितने चाहे मुझे मैसेजेस करवाती रहना, पागल समझा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको फोन करता रहा, आपका नंबर बन जा रहा था, बल्कि रिकॉर्डिंग कह रही थी कि ये नंबर किसी के इस्तेमाल में ही नहीं। फोन गिर गया है मेरा स्कूल में ना, तो मिल नहीं रहा। अब नंबर भी नया लेना पड़ेगा और फोन भी। राइट। मुझे लगा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एनीवे, बीजान जा गई है? बस सोने वाली है, दवाई दे दी मैं उनको, खाना देकर ना। आप उनका बहुत ख्याल रख रही हैं। जस्ट वांट टू थैंक यू अगेन। सो जाएंगी बीजान, आप मिल लीजिए उनसे। थैंक्स।